अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली वंस अगेन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग को हम कंपेयर करने जा रहे हैं ऑल्टो की प्राइस के ऊपर। दिन ब दिन गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश होती जा रही हैं, और आप लोगों ने देखा है कि इस टाइम ऑल्टो भी जो है वो 22 से 24 लाख रुपए के अंदर है, यानी कि आम बंदे की रेंज से बिल्कुल बाहर है। तो इस टाइम अगर हम आज की बात करें तो आज मैं इस गाड़ी को कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली ऑल्टो की प्राइस के अंदर। और अगर हम बात करें ऑल्टो की तो ऑल्टो इस टाइम 22 लाख रुपये की, और हमारी जो एक कन्वर्जन है LX570 जो कि इस टाइम 7.5 से 8 करोड़ रुपये की गाड़ी है, इसकी प्राइस भी जो है वो तकरीबन लमसम जो है वो 8.5 करोड़ रुपये तक आ जाती है। लेकिन हमारी जो ये कन्वर्जन है सिर्फ और सिर्फ 22 लाख के अंदर आप लोगों को एक्सटीरियर देखने को मिल रहा है, वो भी LX570 के अंदर। यानी कि अगर हम ऑल्टो परचेज़ करना जाएं और हमारी इस कन्वर्जन को अगर आप कंपेयर करें, ये मॉन्स्टर सी कन्वर्जन, आपको सिर्फ 22 लाख रुपीज़ के अंदर आपको टोटली एक्सटीरियर मिल जाता है। बेसिकली कंप्लीट कन्वर्जन जो है ये सिग्नस टू LX570 कन्वर्जन है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो पेट्रोल वेरियंट है सिग्नस के, लैंड क्रूजर्स के, अमेजोन के, वो सारी कन्वर्जन जो है 1998 से ऑनवर्ड जो है 2007 तक हो जाती हैं। और अगर हम इस कन्वर्जन की बात करें तो ये 2002 का मॉडल था जो कि इस टाइम टोटली ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है 100x100 फिनिशिंग के साथ। रोड के ऊपर इसकी प्रेजेंस आप लोगों को कहीं से ये बता ही नहीं सकती कि ये गाड़ी जो है ओल्ड से न्यू मॉडल कन्वर्ट हुई हुई है। बेसिकली इसका जो एक्चुअल मॉडल था वो 2002 का मॉडल था, और इसका जो करंट इस टाइम आप लोग सिचुएशन देख रहे हैं ये बेसिकली करंट जो है ये LX570 के अंदर तैयार हुई हुई है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1998 से ऑनवर्ड 2007 तक के मॉडल कोई भी परचेज़ करते हैं तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो इसके ऊपर एक्सटीरियर की तकरीबन कॉस्टिंग जो है वो 22 लाख रुपये तक आई हुई है। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर टोटली इसके अंदर जो है वो 100 सीरीज़ LC 200, यानी कि 100 सीरीज़ LC 200 कन्वर्जन हुई हुई है, जिसके तकरीबन लमसम कॉस्ट जो है वो 18 से 18.5 लाख रुपए तक आ जाती है। चल हम चलते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक्सटीरियर में जो है टोटली पार्ट्स जो है LX570 के इंस्टॉल किए हुए हैं। हमारी भी कोशिश यही रही है कि हम 100% जो है आप लोगों को एक्सटीरियर की जो है मॉडिफिकेशन आप लोगों को दिखा सकें। तो अगर तो हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर TRD ग्रिल, लेक्सस हेडलैम्प्स और फ्रंट बम्पर जो है LX570, बॉडी किट, फ्रंट बोनट, फेंडर, ये टोटली LX570 के इंस्टॉल किए हुए हैं। और अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल में इस टाइम अब तक की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो है इसके अलॉय व्हील्स हैं। बेसिकली इसके अंदर जेन्युइन अलॉय व्हील्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, ये LX570 के इंस्टॉल किए हुए हैं, और 21 इंचज हैं। बेसिकली इसके ऊपर टायर भी जो है वो भी इंपोर्ट किए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल में इसके साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स, साइड पैनल्स, और ओवरऑल अगर तो साइड डोर्स की बात करें तो हमने करेक्टेड लाइंस वही देने की कोशिश की हैं जो LX570 के अंदर आती हैं। अगेन बैक से बात करें तो मोस्टली काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स आपने देखे भी होंगे LC 100 to LX 570 कन्वर्जन, उनके अंदर मोस्टली बेसिकली आप क्वार्टर फेंडर आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत भी हुई है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पूरा क्वार्टर फेंडर जो है इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने कोशिश हमारी यही रही है कि हम ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को जो है वो नियरेस्ट लेके आ सकें LX570 के अंदर, क्वार्टर फेंडर इंस्टॉल करके आपको साइड प्रोफाइल भी वो सेम एज इट इज़ वही दें जो LX570 की है। अगेन बैक से अगर तो हम बात करें तो बैक से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्कि लुक दे रही है और काफ़ी खूबसूरत देखने को आपको मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसकी बैक प्रोफाइल जितनी भी है, बेशक वो इसका ट्रंक है, अपर लोअर, इसका बैक बम्पर, बैक बॉडी किट, बैक लाइट्स, रूफ़ स्पॉइलर, वो तकरीबन ओवरऑल जो है LX570 का ही हमने इंस्टॉल किया है। कहीं से हमने किसी किस्म की कोई कमी या कोई इसके अंदर जो है वो अप डाउन हमने, हमारी कोशिश रही है कि हम ना छोड़ें, और बाकी एंड रिज़ल्ट वो आप लोगों के सामने ही हैं। और अगेन अगर तो हम इसके इंटीरियर की बात करें और इसकी राइट साइड प्रोफाइल की बात करें तो अगर तो ज़रा ज़रा आप जो है इसको कंप्लीट फुल फ्रेम में देखें तो आपको गाड़ी कहीं से भी ये फील नहीं हो रही कि ये गाड़ी जो है एक्चुअल में LX570 है या ओरिजिनल वही मॉडल है। तो चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो
तो इसका टोटली इंटीरियर जो है वो लेटेस्ट मॉडल के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, अब तक का हमारा सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मेहनत किया हुआ इंटीरियर वो आप लोग कह सकते हैं यही है। बेसिकली इसके अंदर टोटली इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज़िगज़ैग गियर कंसोल और सीट्स की पोशिश, वो सारी चीज़ें जो है हमने बेहद और सिमिलर कंपेयर टू कह सकते हैं हमने काफ़ी नियरेस्ट करने की कोशिश की है कि गाड़ी जितनी ज़्यादा आप लोगों को बाहर से खूबसूरत लग रही है उतनी ही आपको अंदर से देखने में भी खूबसूरत लगे। तो अगर तो हम इंटीरियर की बात करें तो आप हाफ पुश स्टार्ट से जो है गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट यू कैन प्रेस द बटन और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और अगर तो इंटीरियर की बात करें तो आपके एसी के सारे कंट्रोल्स, आपके मल्टीमीडिया के इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपके टेस्ला के अंदर ही हैं। ज़िगज़ैग गियर की बात करें तो ज़िगज़ैग गियर मोस्टली जो है कन्वर्जन होती हैं उसके अंदर आप लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग जब कन्वर्जन करवाते हैं या करते हैं तो उनके अंदर ये गियर की पार्ट जो है वो रह जाता है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो ज़िगज़ैग गियर इंस्टॉल किया हुआ और परफेक्ट, यानी कि आपको कहीं से ही फील नहीं होगा कि गाड़ी जो है वो आफ्टर मार्केट गियर इंस्टॉल हुआ है। आपका 4x4 गियर आपका यहीं पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और इसके अपने जो नई मॉडल के अंदर जितने भी किट आई थी उसी के बटन्स के साथ आपका ओरिजिनल जो आपके फंक्शंस हैं वो सारे आपको एक्टिव करके किए हुए हैं इसके अंदर। साथ मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, इलेक्ट्रिक सीट इंस्टॉल की हुई है, सनरूफ इंस्टॉल किया हुआ है। ओवरऑल अगर बात करें तो इसका मीटर भी जो है वो हर तरह से एक्टिव है। आप लोगों को कहीं से ये फील नहीं होगा कि ये गाड़ी जो है वो बड़ी आवाज़दार सी तैयार हुई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी मैं साथ ही एक लिंक लगा देता हूँ कि कस्टमर हमने ये गाड़ी जो है 180 ड्राइव की हुई है और रिंग रोड के ऊपर, और कस्टमर मेरे साथ ही बैठे हुए थे और उनका रिव्यू भी मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ कि कस्टमर की तरफ से भी आप ये श्योरिटी ले सकते हैं कि गाड़ी, लोग कहते हैं कि इन मॉडल्स के अंदर जो हवाएं आती हैं या मॉडल चलते हैं, ये गाड़ियां जब चलती हैं तो आवाज़ें करती हैं। हम रिंग रोड के ऊपर हैं और ये अलग 570 जो कि अभी हमने रिसेंटली तैयार की है, इसकी टोटली हम ट्राई ले चुके हैं, गाड़ी भी बहुत खूबसूरत तैयार हुई है। और चॉइस साहब से इसका ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं। चॉइस साहब मुझे बताएं, अभी हम मेरे ख्याल से 160 क्रॉस किया था, तो अभी क्या करंट क्या रिव्यू है आपका इसके बारे में? कोई मसले मसाइल इन मॉडल्स के अंदर, किसी किस्म की कोई जर, कोई आवाज़? नहीं, बहुत स्मूथ और कोई एयर की आवाज नहीं कोई। अच्छा, तो आप मुतमईन? आप अभी हमने कितना क्रॉस किया था इसका मीटर, हमने कितना मारा था? 140 मैंने किया था। 140 आपने किया था और मेरे ख्याल से 160 प्लस हम गए थे। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है ये वर्थेबल है? हाँ, बहुत अच्छी। आपको क्या कहना है इसके बारे में? जबरदस्त चलें, किसी किस्म का कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, लोग जो लोग अदर किसी और वर्कशॉप से गाड़ियाँ तैयार करती हैं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं और हमारे काम में भी इसकी वजह से इश्यूज़ आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी किया हुआ काम है उसके अंदर ऐसा कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। और दूसरा, देखा होगा मैं इस वीडियो के अंदर कि कस्टमर्स भी कितने वो ट्रस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इस बात की अथॉरिटी दे रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर 180 प्लस पे भी कोई आवाज़, कोई शोर नहीं आई। सो ये था हमारा इंटीरियर का भी एक छोटा सा रिव्यू और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की हमारी सिग्नस 12X570 कन्वर्जन जो है वो पसंद आई है। बेसिकली हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम आपको एंड रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट जो है वो 100% दें। अब चाहे वो ये क्लाइंट है, चाहे वो अदर क्लाइंट है जो हमारे पास अभी तक नहीं आए, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि अगर तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको आपके बजट के लिहाज से आपको प्रोजेक्ट डिस्कस या गाइड किया जाए। बेसिकली अगर तो हम आप प्रोजेक्ट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स भी के ऊपर भी लेके जा सकते हैं और मोस्ट चीपेस्ट और चीपेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी प्राइसेस के अंदर रह के भी आप लोग प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। बेसिकली क्वालिटी, पार्ट्स और डिज़ाइनिंग और बेसिकली इसको बिल्ड करने का पैटर्न, वो हर तरह से डिफरेंट है। आप लोग किसी भी तरह से अपने मिनिमम और मैक्सिमम बजट्स के अंदर रह के हमसे इस तरह की गाड़ियाँ तैयार करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा LX570 कम्प्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर कन्वर्जन। और अगर तो आप लोगों को इसकी मज़ीद डिटेल्स देनी है या इसकी मज़ीद डिटेल्स चाहिए, किस तरह ये प्रोजेक्ट आया था, हमने किस तरह इसके ऊपर काम किया, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर तो आप लोग मज़ीद हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लोगों को नंबर दे देंगे, वहाँ पर जाके आप लोग डिटेल में हमसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग डिटेल में डिस्कस या डिटेल्स ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।